वहीं धार जिले के घोड़ा चौपाटी स्थित सरकारी हायर सेकेंडरी स्कूल के स्टोर रूम में आग लग गई। बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से यह आग लगी, जिससे स्टोर रूम का सामान जलकर खाक हो गया। सूचना के बाद मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। वहीं इंदौर के हाईकोर्ट चौराहे की सड़कों पर अक्सर आपने ट्रैफिक पुलिस के एक जवान को अपने अनोखे अंदाज से ट्रैफिक कंट्रोल करते हुए देखा होगा। हाईकोर्ट चौराहे पर रंजीत ट्रैफिक संभालते हुए रंजीत सोशल मीडिया पर काफी पसंद आ रहे हैं और सोशल मीडिया पर रंजीत का वीडियो देखकर अब लद्दाख पुलिस अधीक्षक मोहम्मद रफीक गोरी भी उनके बड़े फैन हो गए हैं। उन्होंने रंजीत को लद्दाख में बुलाने के लिए इंदौर पुलिस कमिश्नर को पत्र लिखा है और लद्दाख ट्रैफिक पुलिस को 5 दिन ट्रेनिंग देने के लिए बुलाया है। लद्दाख पुलिस के बुलाने पर ये रिपोर्ट देखिए। चलो। देश में हर राज्य के लिए ट्रैफिक एक बड़ी चुनौती है। चुनौती का इंदौर ट्रैफिक पुलिस के जवान रंजीत काफी मजेदार तरीके से सामना करते हैं। रंजीत डांस के अंदाज में ट्रैफिक कंट्रोल करते हैं, साथ ही लोगों को ट्रैफिक नियमों के प्रति जागरूक भी करते हैं। यातायात नियमों को लेकर जागरूक करने के लिए रंजीत एक नई मिसाल के साथ साथ कई लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत भी बन चुके हैं। रंजीत की लोग सोशल मीडिया पर जमकर तारीफ कर रहे हैं, साथ ही एक दूसरे से उनके वीडियो शेयर भी करते हैं। फेसबुक पर उनकी वीडियो देखकर लद्दाख पुलिस अधीक्षक मोहम्मद रफीक गौरी ने उनको ट्रैफिक पुलिस के जवानों को ट्रेनिंग देने के लिए बुलाया है। लद्दाख से पुलिस का एक पत्र प्राप्त हुआ है, जिसमें उन्होंने यहाँ के एक ट्रैफिक के जवान को, जिन्होंने लगातार अपने कार्य से अपनी एक अलग पहचान बनाई है, उनका नाम रणजीत है, उन्हें वहां बुलाया गया है ताकि वहां पर एक प्रशिक्षण दे सकें। मुख्य तौर पर इसे यह होता है कि अपने हम सही मन से किसी कार्य को करें तो छोटे से छोटे कार्य को भी बहुत ही महत्वपूर्ण बना सकते हैं। जब भी आप कुछ ऐसा काम करते हैं जो आपको बाकी लोगों से अलग करता हो, तो कुछ लोग उस काम को पसंद करते हैं तो वहीं कुछ लोगों को वो काम पसंद नहीं आता है। लेकिन जब काम सामाजिक सरोकारों से जुड़ा हो तो दिन बीतने के साथ ही पसंद करने वालों की संख्या भी बढ़ने लगती है। कुछ ऐसा ही रंजीत के साथ भी हुआ था, लेकिन आज रंजीत कई लोगों के रोल मॉडल बन चुके हैं। तो जब मैंने स्टार्ट किया तो डेफिनेटली कुछ लोगों को पसंद आया, कुछ लोगों को पसंद नहीं आया, पर धीरे धीरे करते करते वो रंग लेने लगा, वो कहीं ना कहीं लोग इंस्पायर होने लगे, लोग ट्रैफिक सेंस जगने लगा। 2004 से लेकर ट्रैफिक का मैंने देखा, 2004 में स्टार्ट किया था, आज 2022 हो गया, तो काफ़ी बड़ा बदलाव मैंने अपने डांसिंग स्टाइल से और जो लोगों को हम अवेयर करते हैं एजुकेशन के स्टाइल से देखा है शहर को ट्रैफिक सेंस जागते हुए, और काफ़ी लोगों को इंस्पायर हुए हैं, काफ़ी लोग ट्रैफिक सेंस फॉलो कर रहे हैं, रूल्स फॉलो कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं मेरा अचीवमेंट है। काफी दिनों से लद्दाख पुलिस रंजीत से संपर्क करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन रंजीत से संपर्क नहीं हो पा रहा था। लेकिन तब उन्होंने फेसबुक के माध्यम से रंजीत से संपर्क किया और अपने जवानों को 5 दिन की ट्रेनिंग देने की बात कही है। क्या होता है कि विभागीय प्रोसेस होती है, हमारा कॉन्टैक्ट 1 महीने पहले उनसे लद्दाख से हुआ था, क्योंकि लद्दाख उन्होंने हमको फेसबुक के जरिए उन्होंने काफ़ी मुझे देखा है, काफ़ी मेरे डांसिंग सर को देखा है, हम स्कूलों में जाते हैं, एजुकेशन समझाते हैं, किस तरह समझाते हैं, उनको उन्होंने कॉपी किया। जब मेरे अधिकारी से बात हुई लद्दाख के, तो उन्होंने कहा हम काफ़ी प्रयास कर रहे थे मगर आपको कोई कॉन्टैक्ट नहीं मिल रहे थे, तो फेसबुक के माध्यम से उन्होंने मुझे कॉन्टैक्ट किया, मैंने उनको अपना नंबर दिया। रंजीत ने अपने अनोखे अंदाज से लोगों को ट्रैफिक पुलिस के प्रति काफ़ी जागरूक किया है। लद्दाख पुलिस के बुलावे पर इंदौर पुलिस कमिश्नर ने मौखिक अनुमति दे दी है, जल्द ही पत्र जारी करके रंजीत को अनुमति दी जाएगी। इंदौर से मिथिलेश कुमार गुप्ता के साथ टीम न्यूज़ स्टेट।